जवान लड़कों ने यंग बॉयज पूरे कराची में जहाँ भी रोडों पे खाना हो रहा है पूरे पाकिस्तान में सबको मुबारकबाद दूंगा कि आपके हौसले को आपकी हिम्मत को सलाम है। आज जब बड़े बड़े दस्तरखान बंद हो गए आप इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, खुदा आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। खाना भी इनका आइटम बहुत ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पर। महंगाई की वजह से फर्क ये पड़े जो एक हमारी अफतारी एक बंदे का बना था पिछले वो इस साल 3 लोग मिलके करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोगों का योर लाइव सिटी में वेलकम है। मेरी तरफ से मेरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त मैं आयशा मंजिल के ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ जहाँ पर यंग बॉयज़ ने नौजवान लड़कों ने 30 रोज़ा अफतारी का एहतमाम किया है। तो देखते हैं ये लोग आज ये अफतारी किस तरह बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर शरबत बना रहे हैं ये लोग, देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कितने सालों से कर रहे हैं ये अफतारी का एहतमाम? 7 सालों से कर रहे हैं जी। इतना 7 सालों से कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों के लिए? कहना सिर्फ ये चाहूँगा कि हमारी जो पिछले साल की अफतारियाँ होती थी वो ये होती थी कि जो लोग पूरे साल अच्छा खाना नहीं खा पाते थे हम वो खाना खिलाते थे। अच्छा, इस साल की जो रमज़ान है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, थोड़ा नहीं काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस साल जो है वो लोगों ने यानी पाकिस्तान की 70-80% आबादी ने जो है वो एक एक रुपये खाना ही छोड़ दिया है। तो इसके लिए हम सिर्फ लोगों की जो भूख है वो मिटा रहे हैं, हम एक वक्त का खाना अफतारी के जरिए दे रहे हैं और ये हम हमारी बहुत छोटी सी कोशिश है पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, महंगाई की वजह से कुछ फर्क पड़ा है? महंगाई की वजह से फर्क ये पड़ा है जो एक हमारी अफतारी एक बंदा का बना था पिछले साल वो इस साल 3 लोग मिलके करवा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का एक ग्रुप है नौजवान यंग बॉयज का, वो मिलके कर रहे हैं या कोई और भी आपके साथ कोई कर रहे हैं शराकत कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे अपने जो हमारे वॉलंटियर जो मेम्बर्स हैं उनके ही रिलेटिव्स जो है वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। आप लोगों के लिए आपकी टीम के लिए मैं एक अच्छी टीम की उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा स्टेप उठाया है और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि औरों को भी और भी देखें वो भी आपसे इस्तफादा हासिल करें। बहुत शुक्रिया। कराची वालों से ये अपील है कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो है वो इस दस्तरखान को लगा दें और इसके अंदर वो थीम बनाएं कि इसके अंदर हर बंदा आ सके। आप अभी देखेंगे हमारे यहाँ हर तरह की फैमिली आगे बैठ के इफ्तार करें। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? क्या कहना चाहेंगी नौजवान लड़कों ने यंग बॉयज ने अफतारी का एहतमाम किया है 30 रोज़ा? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम है और सबको जो है ना ये काम करना चाहिए, बढ़ सकते हिस्सा लेना चाहिए इस काम के अंदर, जितना हो सके आप उनका कोऑपरेट करें, डोनेशन दें लोगों को, ताकि ये सब काम इतना अच्छा काम सब कर सकें और ये वर्क के लिए खवातीन के लिए जो सपोर्ट नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत अच्छा ये काम है, करना चाहिए। और अभी खाना भी इनका आइटम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पर। इनका एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर खवातीन सफ़ेद कोट में हर बंदा जिसने इन्होंने लगाया अफतार आम है और हर बंदा आम है, तो यहाँ पर हर कोई आ सकता है। इधर हम किसी से पूछ नहीं सकते, यहाँ पर सबके अलग अलग कबीले हैं, लेकिन यहाँ पर खाना सब खाना खा सकते हैं आके। सिस्टर, आपका भी अपना एक चैनल है, अपने चैनल का भी तारुफ करा दें। मेरे चैनल का नाम है सिद्रा खान ब्लॉग, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत। सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए आपकी टीम के लिए एक अच्छी दिन की उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब रखे, सलामत रखे, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? क्या कहना चाहेंगे नौजवान लड़कों ने, यंग बॉयज? पूरे कराची में जहां भी रोडों पे खाना हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में सबको मुबारकबाद दूंगा कि आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को सलाम है। आज जब बड़े बड़े दस्तरखान बंद हो गए, आप इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुदा आपकी इन साजिशों को कबूल फरमाए और खुदा आपको और हौसला दे, आपकी कमर और मजबूत हो और आप अपने पाकिस्तानियों के इससे ज़्यादा बढ़ के काम करें। इसका बहुत मुश्किल आ रहा है। थैंक यू सो मच।
चलिए व्यूवर्स अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के पास एक नई वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। जा रहे हैं, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।